दोस्तों आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं। क्या पता शायद ये सवाल आपके मन में भी हो सकता है, और इसीलिए वीडियो को पूरा देखने का रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ समीर। क्वेश्चन वर्सेज आंसर की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं सेहत से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो में सेहत से जुड़े कुछ खास सवाल और उनके जवाब के बारे में जानते हैं। सवाल नंबर एक, पेट में गैस बनता है, खाता हूँ लेकिन पचता नहीं है, खाने के तुरंत बाद फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, क्या करूँ? देखिए दोस्तों, गैस बनना लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है। जल्दी जल्दी खाने से गैस बनता है। खाने को दो टुकड़ों में भी खाया जा सकता है। प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक वॉक करें। अगर आपको खाने के बाद फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है तो ये IBS की समस्या है। ये लाइफस्टाइल से जुड़ी स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आप स्ट्रेस को दूर करें और थायराइड की जांच करवाएं, और दोस्तों सही इलाज के लिए अपने चिकित्सक का सलाह लें। सवाल नंबर दो, मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है, वजन घट गया है, कोई उपचार बताएं? दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की मात्रा डिफेक्टिव होता है। डायबिटीज़ के दौरान शुगर लेवल पर ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज़ एक मीठा जहर है, यह शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। इंसुलिन को कंट्रोल में रखें और कुछ साधारण व्यायाम करें। तीसरा सवाल है कि दोस्तों, मुंह में खट्टापन जैसा लगता है, जीभ पर सफ़ेद परत बन जाता है और दुर्गंध आता है, तो दोस्तों शरीर में पाचन संबंधी समस्या भी हो सकता है। हो सकता है कि दांत साफ ना हो। सुबह और रात को सोने से पहले दांत को ब्रश करें। अगर कब्ज की समस्या है तो भी ये समस्या हो सकता है। शरीर में कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसका कारण पर आप पहले ध्यान दीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, मुझे 4 वर्ष से जुकाम की समस्या है, जब दवा लेता हूँ तो कुछ समय के लिए आराम मिलता है, कोई स्थायी समाधान बताएं? तो दोस्तों, नाक से बार बार पानी बहना, छींके आना, ये एलर्जी के लक्षण हो सकता है। सबसे पहले जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उससे दूर रहे। आपको एलर्जी से बचने की ज़रूरत है। चिकित्सक की सलाह पर दवा लीजिए और स्प्रे करने से आपको लाभ मिलेगा। मेरा वजन सामान्य से कम है, वजन कैसे बढ़ सकता है? अगर सामान्य से वजन कम है तो इसके लिए सबसे पहले कारण पर ध्यान दें कि कोई बीमारी तो नहीं है। डाइट में प्रोटीन ले, प्रतिदिन नींद 7 से 8 घंटे ले, खून की जांच करवाएं। हो सकता है कि आपको थायराइड या फिर दूसरा कोई समस्या हो। तो दोस्तों आज की वीडियो की आखिरी सवाल है कि नींद बहुत आता है, कहीं पर भी बैठता हूँ तो नींद आने लगता है, क्या करूँ? नींद की समस्या थायराइड की वजह से हो सकता है। अगर वजन ज़्यादा है तो इस कारण से भी नींद आता है। वजन ज़्यादा होने के कारण रात को सोते समय पूरे शरीर का सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऐसे में रात को पूरा नींद नहीं हो पाता है और दिन में नींद आने लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर अपना कीमती राय देना मत भूलिएगा। साथ ही लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि आपकी एक शेयर की वजह से किसी की भला हो सके। तो मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।